वे कहा कि ये सरकार झारखंड के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए ही बनी है, लिहाजा जो जिस योग्य है उन्हें जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। तुम्हें हक अधिकार मिलने चाहिए, अंतिम दम तक हम लोग झारखंडियों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए ही सरकार ये चल रही है। तो जहां जो लोग योग्य हैं, जिनको जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। अगर आंदोलनकारी के आश्रित दो होंगे, दो बच्चे होंगे, दोनों को सरकार आरक्षण देगी? आपने देखा सावित्री बाई फूले में पहले दो बच्चियों को देने का प्रावधान था, तो हम लोगों ने अब चाहे तीन बच्चियां हो, चार बच्चियां हो, सभी को देने का प्रावधान किया है। देखिए 24 प्रस्ताव पारित किया गया है। एक पहला है कि बोकारो हॉस्पिटल जो है उसका 50 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण के लिए उसको स्वीकृति दिया गया है, कुछ रोड्स का स्वीकृति दिया गया है, एक शाहीन यूनिवर्सिटी है उसको भी स्वीकृति दिया गया है। ऐसा करके 24 प्रस्ताव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हो रहा है और मैन पावर भी बढ़ रहा है। चूँकि देखने का इनका अंदाज अलग है, अभी हम लोगों ने 200 चिकित्सकों को, MBBS चिकित्सकों को सीधे सीधे नियुक्ति दिया, हम लोगों ने आयुष में चिकित्सकों को नियुक्ति दिया, CHO में 395 लोगों की बहाली किया, JPSC में अभी 600 के करीब अधियाचना गई हुई है चिकित्सकों की, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर अभी NHM से काफ़ी बहाली निकली है। तो सभी तरह से प्रयास हो रहे हैं और प्रयास काफ़ी सार्थक हैं।